हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, पार्टनरशिप की चर्चा कर रहे थे हम, बहुत सारे फीचर पढ़ लिए थे। कल एक फीचर का डिस्कशन शुरू किया था पर पूरा नहीं हो पाया था, वहीं से शुरू करेंगे बेटा, बिल्कुल शुरू से। बाबू, पार्टनरशिप फॉर्म में मैं एक फीचर पढ़वाने जा रहा हूँ आपको, लाइबिलिटी। और आज कोशिश करेंगे काफी पोर्शन पार्टनरशिप का खत्म करके जाएंगे। बाबू, एक अब फीचर का डिस्कशन कर रहे हैं लाइबिलिटी, और आपको याद होगा सोल प्रोप्राइटरशिप लाइबिलिटी कैसी थी, थोड़ा बताओ बेटा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप में? इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लाइबिलिटी, देन सोल प्रोप्राइटर्स पर्सनल एसेट्स कुड आल्सो बी सोल्ड आउट। ठीक है सर, जब भी ये हेडिंग आएगी और वह पांचों टॉपिक में आएगी, पांचों एंटिटीज में आएगी, हमेशा डिसाइड करना होगा लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। बेटा, मैंने कल हल्की सी बात कर ली थी कि बेटा चाहे पार्टनरशिप में लाइबिलिटी, इसमें भी अनलिमिटेड ही है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब वही है बेटा जो सोल प्रोप्राइटरशिप में था। पार्टनरशिप फॉर्म में भी अनलिमिटेड ही है, और मतलब वही है बेटा जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में था। यानी कि अगर यहाँ पर भी बिजनेस एसेट्स बिजनेस लाइबिलिटी को पूरी तरीके से पे नहीं कर पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स भी बेची जा सकती है। पार्टनर्स हैं एसेट्स डाली हुई हैं बेटा 25 लाख रुपए तीनों ने मिलाकर, और बेटा बिजनेस में लाइबिलिटीज भी कर्जे भी चढ़ाकर बैठ गए बेटा 35 लाख रुपए के, और ये क्रेडिटर्स पहुंच गए बेटा कोर्ट की, कोर्ट 35 लाख रुपए देने दे नहीं रहे, क्या गई कोर्ट, सारा तामझाम दुकान वगैरह फिटिंग सारा सामान सब बेच दो बिजनेस के एसेट्स बेटा, सब कुछ तामझाम बेच कर 25 लाख रुपए ₹7 लाख, इसके पास भी ठीक ठाक अमाउंट है और बाबू इसके पास सबके पास पर्सनल एसेट्स है। कोर्ट ने कहा लाइबिलिटी के केस में ना पार्टनरशिप में सिर्फ एक बात नहीं होती कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, दूसरी बात भी होती है बेटा, पार्टनर्स आर जॉइंटली एज वेल एज सेवरली लाइबल। पार्टनर जॉइंटली भी लाइबल है और सेवरली भी लाइबल है। सेवरली मतलब समझते हो, बताओ डाउट से सेवरली का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअली। पार्टनर्स खाली जॉइंटली लाइबल नहीं है, पार्टनर इंडिविजुअली भी लाइबल है। ठीक है जी। अब बाबू, क्योंकि आप ज्वाइंटली लाइबल हो इसलिए इस बची हुई लाइबिलिटी को ज्वाइंटली दोगे, मिलाकर दोगे, और मिलाकर कैसे दोगे ना, इक्वल दोगे बेटा, मिलाकर वैसे ही दोगे जैसे आपकी रेशियो। तो कहा आप ज्वाइंटली लाइबल हो, मिलाकर लाइबल हो, बाबू यानी कि 10 लाख रुपीज को आप दोगे 5:3:2। ये क्या होती है बेटा? PSR, मतलब बोलो फटाफट से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉस शेयरिंग रेशियो, यही रेशियो लॉस शेयरिंग रेशियो भी तो है। तो अगर लॉस हुआ तो बांटना तो कैसे है बेटा, इसी रेशियो में बांटना है। तो बाबू 10 लाख में से 5 लाख रुपए बैठेंगे ए के हिस्से के, 3 लाख रुपए बैठेंगे बी के हिस्से के, और 2 लाख रुपए बैठेंगे सी के हिस्से के। ये पैसा दे दिया, बड़े आसानी से उतर गया बेटा, क्योंकि पर्सनल एसेट रिड्यूस हो गई, लेकिन आउटसाइडर का खर्चा निपट गया पूरी तरीके से। ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी और जब आप जॉइंटली लाइबल हो। अब बेटा मुद्दा थोड़ा सा चेंज है। बाबू मान लो कहानी कुछ ऐसे है, कल मैंने यही समझाने की कोशिश की थी आखिरी में, कहानी कुछ ऐसे है बेटा। बाबू अब देखा जाए 3 लाख रुपए बी ने देने हैं, इसके पास 3 लाख रुपए के पर्सनल एसेट्स नहीं। बाबू 2 लाख रुपए इसने देने हैं 10 लाख से, हैं इसके पास 2 लाख की पर्सनल एसेट्स नहीं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये अगर टोटल किया जाए ये कितना है 10 लाख रुपए,
और आउटसाइडर भी कितने देने हैं, 10 लाख रुपए। कौन देगा पहले को, आउटसाइडर को फ्री करो 10 लाख रुपए दे दो, बिल्कुल फ्री कर दो आउटसाइडर को। ये नहीं कहा कि मैंने क्या गलती कर दी, मेरे तो हिस्से के 5 ही लाख रुपए थे, आपने मुझसे 7 लाख रुपए क्यों छीन लिए, मेरा घर बार सब बिकवा दिया, कोई बस मैंने सट नहीं छोड़ी। तो कोर्ट ने उसको एक बात समझाई कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप ज्वाइंटली लायबल नहीं होते, यू आर इंडिविजुअली लायबल टू, आप अकेले अकेले भी लायबल हो इस पूरे 10-10 लाख रुपए के लिए। उसने कहा अच्छा है, पर कोर्ट ने उसको एक सहूलियत दी कि हम एक काम कर रहे हैं, तूने इसके हिस्से के भी 1 लाख रुपए दिए, इसको 3 लाख रुपए दे रहे थे ना, तूने इस हिस्से के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देने थे, 2/10 देना था इसको, बाबू इसके हिस्से के भी कितने दिए, इसके हिस्से के 1 लाख रुपए, तो बाबू इसने इसके हिस्से के भी 1 लाख रुपए दिए, इसके हिस्से के भी 1 लाख रुपए दिए, कौन क्या कर रहा है, इसकी बात बता दे, लेकिन हाथ वाले थोड़ा सा और एक केस का डिस्कशन करते हैं। मान लो कहानी करते कि 10 के 10 लाख रुपए की पर्सनल एसेट इसके पास है, दोनों के पास कोई पर्सनल एसेट है नहीं, तो भी यही कहानी, बाबू पार्टनर्स आर जॉइंटली लायबल बट पार्टनर्स आर आल्सो सेवरली लायबल, सेवरली मतलब इंडिविजुअली लायबल, सब 10 लाख रुपए का बकाया है, आप अकेले अकेले भी लायबल हो, 10 के 10 लाख रुपए की इसके एसेट बेच देगी कोर्ट, 3 लाख रुपए मतलब मैं क्यों को 2 लाख रुपए का मतलब मैं क्यों को 3 लाख इसके हिस्से के 2 लाख थे, इसने पे कर दी, कमाओगे तो इसको देना, समझ में आ रहा है इस वर्ड के कितने खतरनाक इंपैक्ट हो सकते हैं। बहु पार्टनरशिप में पार्टनर सिर्फ अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रखते, पार्टनर जॉइंटली और सेवरली लायबल भी है, ये बात बोलनी नहीं है, इसलिए पीएम साहब पे कर दो बच्चे की लायबिलिटी, और बाबू अल्लाह नहीं है, बाबू आप इंडिविजुअली भी लायबल हो, तैयारी कर लो बेटा, एक ही आदमी की सारी एसेट्स भी बेच सकती है, क्लियर है, एक टीचर भी स्कूल जाकर देखेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी बताकर सब खत्म कर देंगे, वर्ड भी नहीं बोलते, टच भी नहीं करते इस वर्ड को, वो कहता है इंडिविजुअली हर पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है उस डेट के लिए, मैंने आपको दिखाया एक कैसे 10 के 10 लाख रुपए की एसेट छीन ली, इंडिविजुअली लायबल हो, लेकिन लेकिन वो पार्टनर क्या कर सकता है बाद में, बच्चे में पार्टनर अमाउंट रिकवर कर सकता है जो कि उसने उसके हिस्से के लिए, यानी कि उसी कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमा डाल देगा, बी के ऊपर भी सी के ऊपर भी, तेरे हिस्से के 3 लाख दिए हैं, उसके हिस्से के 2 लाख दिए हैं, दोनों से लूंगा, क्या मैं क्लियर उस बात को लिख सकता पक्का से। बाबू फॉर्मेशन पहला फीचर था, खत्म कर लिया था उसी दिन, आज लाइबिलिटी रिस्क बियरिंग उसी दिन, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल उसी दिन, अब मुद्दा उठता है कॉन्टिन्यूटी, बहुत ही कमाल मुद्दा है, और आधे से ज्यादा बच्चे इसमें पहली बारी में फंस जाते हैं। मैं इधर देखना पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर याद कराओ, मिनिमम 50 मिनिमम, अरे बोलो कम से कम पार्टनर कितने चाहिए बेटा, 2 और मैक्सिमम 10 भी 50, बीच की सारी लिमिट बोल जाओ, पास्ट में क्या हुआ मैंने आपको कहा था, कंक्लूजन याद रख लेना, मिनिमम कितने चाहिए बेटा 2, मैक्सिमम 10 भी 50, ठीक है, याद रहा, इधर देखना
बाबू एबीसी तीन पार्टनर है, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले ये ना, एक सेकंड पॉज करो, रौनक फोन दे दे फटाफट से। बाबू एबीसी तीन पार्टनर है, मान लो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुई 3:1, पीएसआर डिसाइड हुई 3:1, ठीक है। बाबू जब हम सोल प्रोपराइटरशिप पढ़ रहे थे ना, और वहां पर हम पढ़ रहे थे फीचर, तो बेटा वहां पर एक फीचर आता था लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, याद है आपको एक फीचर आता था लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, कि सोल प्रोपराइटर तो अकेला इंसान है, डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, फिजिकल एलिमेंट हो सकती है, इंसैनिटी हो सकती है, इंसैनिटी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अगर इनमें से कुछ भी हुआ ना, या तो बिजनेस के ऊपर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट आएगा, तो खराब इम्पैक्ट, या बेटा बिजनेस बंद हो जाएगा, याद है आपको। चल मैं पार्टनरशिप की बात करता हूँ, नहीं तो देखना भगवान ना करे सी की डेथ हो जाए, और किसी भी पार्टनरशिप में अभी हमने डिसाइड करा मेरे को 2 मैक्सिमम 50 मेंबर है। बाबू मान लो किसी पार्ट कोई पार्टनरशिप हम चल रही है 50 पार्टनर के साथ, एक की डेथ हो गई, बिजनेस मैन दो मुख्य नहीं, फटाफट बताओ, फटाफट से बताएंगे बेटा, समझदार व्यक्ति, बिजनेस मैन होगा या नहीं होगा। मैंने पहले कहा पहली बार में सब गलत बोलते हैं, आपको ये मुख्य थोड़ी हो, मैं ऐसा बोलवाता हूँ गलत होगा, अब आपको क्या लग रहा होगा बिजनेसमैन नहीं होगा। अच्छा एक बात बताना बाबू, उस पार्टनरशिप डीड से पार्टनरशिप पिक्चर में आई क्या, पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप डीड से फटाफट याद कराओ, नहीं तो देखो रिवीजन कराओ, पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप डीड से पार्टनरशिप प्रॉफिट कैसे बटेंगे बस लिखा हुआ, फिर बताओगी कि नहीं होगी, होगी। ये तीन पार्टनर थे, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ हो गई, अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, इसके हिस्से का कौन लेके जाएगा, आधा था। चलो मैं बात बताता हूँ, चलो प्रॉफिट के केस में अगर लड़ाई अगर ये बाबू जिस दिन लॉस हो गया ना, ये आपस में झगड़ पड़ेंगे, भी पता क्या है वो भाई, तू ही लेके जाता था ज्यादा प्रॉफिट, लॉस तू ही लेगा ज्यादा, लिख के ले लो, प्रॉफिट वाले साल में कोई दिक्कत नहीं आती, लॉस वाले साल में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब जेब से निकलता है ना तो दिक्कतें होती हैं। एक पार्टनर की कैसे पार्टनरशिप खत्म जा रही है, हाँ रिमेनिंग पार्टनर कैन पार्टनरशिप, सर रिमेनिंग पार्टनर सेम बिजनेस कर सकते हैं नई पार्टनरशिप डीड के साथ, अगर वहां नई पार्टनरशिप डीड बने इसका मतलब नई पार्टनरशिप बन गई, पुरानी तो खत्म हो गई ना, यानी कि क्या एक आदमी की डेथ से पार्टनरशिप फॉर्म भी खत्म हो जाती है, सर हो जाती है, समझ में आया मेरा पूरा एनालिसिस, सुन लो दोबारा मैं बात बोल रहा हूँ, एबीसी तीन पार्टनर सी की डेथ हो गई, अब ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा यार दो हैं तो, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए दो लोग रिक्वायर्ड होते हैं तो चलती रहेगी पार्टनरशिप, सर नहीं चलेगी क्योंकि मुझे पक्का पता है लॉस वाले साल में क्या होगा, और मैंने आपको समझा दिया कि क्या होगा, यही लड़ झगड़ बैठेंगे कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, तो अब ज्यादातर लोग बिजनेस कंटिन्यू नहीं करते पार्टनर की डेथ होने के बाद, हाँ सेम बाय फॉर्मिंग अ न्यू पार्टनरशिप डीड, नई पार्टनरशिप डीड बनाना बिजनेस का एक और भी काम लिखा उसकी प्रॉपर्टी चली गई, तो वो अगर हमें नई पार्टनरशिप डीड पुरानी पार्टनरशिप तो नहीं रही ना, यानी कि पार्टनर की डेथ से पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाती है ना, ऐसा नहीं है, ज्यादातर लोगों का बनाना 50 हो गया, सब बंद हो गई शीशी पढ़ाया पढ़ाया।
पार्टनरशिप is the agreement written agreement between partner which specify the terms and condition of partnership. All okay? सुंदर आपके मुझे क्या बताना सारा मैटर कॉपी पेस्ट हाँ जी सर आप बहुत मजेदार बात करने जा रहा हूँ सेकंड हेडिंग मैंने दो मिनट के लिए छोड़ रखी है थर्ड हेडिंग पढ़ना क्या लिखी है तो क्या लिखा है मोर फंड्स इधर देखो सामने देखते रहो क्योंकि मैं बहुत काम की बात करने जा रहा हूँ लिमिटेशन मैम पढ़ना लिमिटेशन की सेकेंड हेडिंग क्या लिखी है तो एडवांटेज में बोलता है मोर फंड्स इधर देखो पैसा बहुत है लिमिटेशन में बोलता है लिमिटेड रिसोर्सेस पैसा बिल्कुल नहीं है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है यार ये क्या बात कर रहे हो एक तरफ कह रहा मोर फंड्स पैसा बहुत है एक तरफ कह रहा भाई लिमिटेड रिसोर्सेस पैसा बिल्कुल नहीं गलत है काट दो बस ये बताओ गलत कौन सी है पैसा है कि नहीं है सो अरे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बस पढ़ने में ऐसा ही लगता है अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग ठीक है ना हेडिंग पढ़ने में ऐसा ही लगता है कि कॉन्ट्राडिक्शन है सुनो बाबू एडवांटेज में लिखा है मोर फंड अब मैं बताता हूँ जब इसने एडवांटेज लिखी ना तो कंपेयर कर दिया सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के साथ पार्टनरशिप को और जब लिखी लिमिटेशन में लिमिटेड रिसोर्सेज तो पार्टनरशिप फॉर्म को कंपेयर कर दिया विद कंपनी अब समझाने के लिए बात बिल्कुल सीधी सी है भाई मोर फंड्स As compared to a sole proprietorship firm, partnership के पास तो बहुत पैसे होते हैं भाई sole proprietor तो एक आदमी और partnership firm में हम 50 तक जा सकते हैं तो जो 50 आदमी पैसा ला सकते हैं कभी एक आदमी बराबरी कर सकता है उसकी कभी भी नहीं कर सकता कहता है sole proprietorship के comparison में partnership के पास बहुत पैसा होता है तो सही तो बोल रहा है गलत बोल रहा है लेकिन बेटा जब आती है बात limitation पे limited resources तो बोलता है पैसा बिल्कुल नहीं है क्यों कंपनी के कंपैरिजन में नहीं है याद है जब ये बात मैंने सोल राइटरशिप में पढ़ाई थी लिमिटेड रिसोर्सेज मैंने कहा था चार जगह पे एडिंग आएगी सोल राइटरशिप में भी आएगी पार्टनरशिप में भी आएगी कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी आएगी एचयूएफ में भी आएगी और हर जगह मैं शुरुआत किससे करूंगा कंपेयर कर लो विद कंपनी भाई कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं अनलिमिटेड मैंने एक एग्जांपल दिया था बाबू रिलायंस में 14 लाख लोग मेंबर हैं 14 लाख अब एक एक रुपया मांगोगे 14 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा 10-10 मांगोगे 1,40,00,000 100 रुपए मांगोगे 14 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और 10,000 मांग लिए तो 1400 करोड़ और 10,000 मुझे नहीं लगता आज की तारीख में किसी के लिए बड़ी रकम है एक प्राइवेट नौकरी करने वाला आदमी भी 10,000 कमा रहा है 1400 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे सर एक पार्टनरशिप फर्म कभी भी मुकाबला कर पाएगी कंपनी का पैसों के सेंस में सर 50 लोग जो पैसा ला सकते हैं और जो 14 लाख लोग मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं ला सकते हैं बराबर हो सकता है क्या कभी क्या बात कर रहे हो बराबर हो सकता है दूसरी बात पार्टनरशिप फर्म को कितने बैंक लोन देने को तैयार है भाई डर डर के लोन तो देते हैं पर हेसिटेशन के साथ क्यों सर एक पार्टनर की डेथ से पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी बाद में पैसा कौन देगा दिक्कत तो ये है ना तो भाई बैंक क्या कितना ट्रस्ट करेंगे 5 करोड़ का 7 करोड़ का 10 करोड़ का बट बेटा कंपनी लेवल पे बात करूं तो मैं बता भी रहा था उस दिन कि कंपनियां ज्यादातर बाबू मल्टीनेशनल बन जाती हैं बहुत बड़े लेवल पे चली जाती हैं पता है क्यों क्योंकि पैसों की टेंशन नहीं है अपने मेंबर को 10,000 या 1400 करोड़ इकट्ठा हो गया बैंक होगा जी 1,00,000 करोड़ का कर्ज चाहिए बैंक कहता है ले जाओ क्योंकि कंपनी मरती नहीं है बेटा किसी इंसान के जाने से कंपनी नहीं मरती मैं एक एग्जांपल के तौर पे बस बात बोल रहा हूँ धीरू भाई अंबानी जी चले गए रिलायंस मर गए कंपनी मरती नहीं है ये बात मैं बताऊंगा जब मैं कंपनी पढ़ाऊंगा पर इस बात को समझ में आ रही है आपको कि कंपनी के पास बहुत पैसा है पार्टनरशिप के पास तो कुछ भी नहीं है भाई उसके कंपेरिजन में बिल्कुल खाली क्लियर हुई दोनों एडिंग मोर फंड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज आओ बाबू पहले लिमिटेड रिसोर्सेज ही पढ़ लो फटाफट से भाई सामने देखो प्लीज
कहते हैं पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, 50 से ज्यादा नहीं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक लिमिटेड रह जाती है और इसी वजह से बेटा आप एक्सपेंड नहीं कर पाते बहुत ज्यादा। कितना ले आएंगे यार 50 लोग, ठीक है ना जी। आओ जी मोर फंड्स वाली हेडिंग क्लियर कर देते हैं, पढ़ना जी मोर फंड्स। As compared to, मैंने पहले ही बोल दिया था किससे कंपेरिजन कर रखा होगा इसका। ठीक है बोलते बोलो के पक्का से बाबू। फोर्थ, अभी मैंने सेकंड मैरिट छोड़ी हुई है अभी करा रहा हूँ बाबू। फोर्थ मैरिट का नाम पढ़ना, शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये बेटा रिस्क बियरिंग फीचर है, कट कॉपी पेस्ट सेम है, सारा मैटर सेम लिखना है, ठीक है ना। ठीक है वहां पे भी तो यही बोला था, रिस्क इज शेयर्ड अमंग द नंबर ऑफ पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सब प्रॉफिट कमाओगे पीएसआर में बटेगा, लॉस कमाओगे तो भी तो शेयर ही होगा बेटा पीएसआर में। ठीक है वहां भी जो बात बोली थी वही सेम बात है, रिस्क बियरिंग हेडिंग थी फीचर में। एक तो याद ही नहीं आता बेचारों को, उठ के आ जाते हैं ऐसे ही। ठीक है जी आओ बाबू। मैरिट में पांचवी मैरिट सीक्रेसी। क्या हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी मैरिट पढ़ी थी? इधर देखना, पढ़ी थी वहां पे नाम क्या था? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब तो यही था सीक्रेसी है, पर यहाँ हेडिंग का नाम ही सीक्रेसी है, बहुत अच्छी बात। इधर देखना सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या लिखा था कि सोल प्रोप्राइटर कभी अपने मुंह से ट्रेड सीक्रेट बताएगा नहीं। दूसरी बात सर उसके ऊपर कोई लॉ भी नहीं लगता जो उसको कहता हो कि तो अकाउंट्स पब्लिश कर ना, वो अकाउंट्स पब्लिश करता तो कहाँ जाने वाले हैं उसके सीक्रेट, कहीं नहीं जाने वाले। और मैंने कंपनी की पूरी बैलेंस शीट सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया था आपको कि कंपनी में कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं। सर क्या पार्टनरशिप फॉर्म में सीक्रेसी है? सर 100% सीक्रेसी है। क्यों? सर पार्टनरशिप के ऊपर जरूर एक कानून लगता है, कानून का नाम बताना बोलो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1940। पार्टनरशिप के ऊपर जरूर एक कानून लगता है, लेकिन बेटा उस कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने हैं, क्योंकि नहीं लिखा हुआ। कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स रिवील नहीं करती कहीं पर भी, जब कहीं दिखाती नहीं बेटा तो सीक्रेट कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, सीक्रेट सीक्रेट बने रहेंगे। बिल्कुल सीधी सी बात, सोल पार्टनरशिप पे तो कानून नहीं लगता, इस पे कानून लगता है। मैंने तो पूरा पढ़ रखा है, मेरे पे ट्रस्ट कर लो, कहीं लिखा ही नहीं हुआ भैया कि अकाउंट्स कहीं दिखाने। आप बताओ कहीं पार्टनरशिप फर्म के आपने अकाउंट्स देखे वेबसाइट पर न्यूज़पेपर्स में? कंपनी के तो मैंने आपको दिखा दिए, जितनी मर्जी कंपनी के देख लो। समझ में आती है बात, सीक्रेसी क्यों रहती है? पढ़कर बताना फटाफट से चार लाइन। ठीक है लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, बढ़ाएं बात को। लास्ट मैरिट और उसके बाद बेटा लिमिटेशन में दो से तीन लिमिटेशन हो ही है एडवांस में, पढ़ना जी। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी ये ऐसा क्यों बोल रहा है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग? लो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में ना डिसीजन मेकिंग ना यार बड़ी बैलेंस्ड सी नजर आती है, ऐसा क्यों? बहू क्योंकि ना हर पार्टनर अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से काम करता है। मैं एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ तो आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। मेरे ऑफिस में ना हम दोनों पार्टनर बैठते हैं एक ही टेबल पर, ठीक है पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है जी। हमारे सामने बड़ी हुई टेबल एक ही है, दो चेयर है बॉस चेयर, एक पे वो बैठते हैं एक पे हम। एक क्लाइंट ने एंट्री ली, नया है हम जानते हैं, ठीक है जी बैठा जी, कुछ चर्चा कर रही थी, कुछ कंसल्टेंसी दी थी। अच्छा जी बताओ जी किससे रिलेटेड? GST और इनकम टैक्स। जैसे ही उन्होंने बोला इनकम टैक्स, मेरा पार्टनर कहता है जी ये बैठा हुआ है इससे बात करो, वो बिल्कुल नहीं बोलेगा मैटर में, सुन सब कुछ लेगा, सारी राय मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इनकम टैक्स है, मुझे अच्छा लगता है इनकम टैक्स के बारे में कंसल्टेशन देना, ठीक है जी। सारी राय मैंने दी उसको, ठीक है जी। समझ में आ रही है बात? अगर मैटर बहुत बड़ा है, इनकम टैक्स नहीं मैटर है लेकिन बहुत बड़ा है, मान लो केसेस तक का मैटर है, रेट तक का मैटर है, फिर मैं अपने पार्टनर से डिस्कस कर लेता हूँ कि इस केस को कैसे सुलझा जाए, कैसे रिप्लाई डाले जाए और कैसे इसको बचाया जाए। समझ में आ रही बात? और बेटा अगर वो क्लाइंट बैठता और उसने कहा कि मुझे GST से रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए, तो
तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कहता हूँ जी पार्टनर ही डील करेगा, उसको ही आता है जीएसटी का सारा मतलब, ऐसा नहीं है कि आता हमें नहीं, पर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अलग अलग होते हैं ना लोगों के, ठीक है ना, वो अपने आप को उस चीज में चैंपियन मानकर रहने पर, ठीक है जी आप इससे बात कर लो बाबू, अगर छोटा मोटा मुद्दा है तो मेरा पार्टनर ही सारे जवाब देगा, सब कुछ खुद कर लेगा, निपटा लेगा, अगर बहुत बड़ा मुद्दा है मतलब वहां पे भी केसेस का मुद्दा है या रेड का मुद्दा है तो फिर श्योरली वो मुझसे डिस्कस करता है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है डिसीजन म्यूचुअल कंसेंट पर लिए जाते हैं, पर बेटा ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि आप अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से जजमेंट लेते हो, और इसी वजह से तो पार्टनरशिप बनाई गई है कि हर लोग के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अलग होते हैं। मैं कहता हूँ बेटा एक पार्टनरशिप फॉर्म है, मैं एक और बिजनेस एग्जाम्पल देता हूँ अपना एग्जाम्पल छोड़कर, एक बिजनेस में ना बेटा चार लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म बना लिया, वो एक कहता है कि मैं हैंडल करूंगा परचेज एंड प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा प्रोडक्शन मैं करके दूंगा, वो बी ने कहा मैं सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट हूँ मैं वो देखूंगा, सी ने कहा जी मैं फाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ मैं फाइनेंस अरेंज करके दूंगा, और डी ने कहा मैं अकाउंट्स बना लूंगा मेरे को अकाउंट्स की सारी समझ है। सर एक्चुअली में यही होगा, आप पार्टनरशिप फॉर्म इसलिए बनाते हो क्योंकि लोगों का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अलग अलग है, सब मिल जाएंगे तो बेटा एक धंधा चल जाएगा, क्योंकि बिजनेस में एन नंबर ऑफ फंक्शन है जो मैनेज करने होते हैं, एक सोल प्रोवाइडर के लिए तो बहुत मुश्किल है ना मैनेज करना, पार्टनरशिप फॉर्म में अलग अलग लोगों को पार्टनर बनाने का मकसद ही यही होता है कि सबका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अलग आ रहा है जिससे पार्टनरशिप फॉर्म को चलाने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो बाबू इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म के डिसीजन ना थोड़े से बैलेंस लगते हैं, सोल प्रोवाइडरशिप से तो ज्यादा ही अच्छे मैनेज हो रहे होंगे आप समझदार हो तो, क्लियर है बेटा बात पक्का से, आओ रीड कर देते हैं बेटा इसको और सारी की सारी मेरिट्स भी खत्म, पढ़ना बोलो ओके पढ़ाएं बात को आगे बाबू, बस मैं अब नई हेडिंग कुछ नहीं कराऊंगा बस, लेकिन बता रहा हूं कि कल आगे क्या करेंगे, लिमिटेशन में पढ़ना है, पहले लिमिटेशन का नाम पढ़ाऊंगा, लायबिलिटी फीचर में लिखा है, लिमिटेशन में लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी, आंखें और बुरी आंखें, ठीक है जी आओ जी, लिमिटेड रिसोर्सेस पहले से ही क्लियर कर दिया है और मुझे लगता नहीं है पढ़ना, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी फीचर में क्या लिखा था, कॉन्टिन्यूटी आंखें और बुरी आंखें, तीन बातें क्लियर है, दो चीजों पे चर्चा करनी है बस, दो लिमिटेशन पे चर्चा करनी है, लेकिन क्या पार्टनरशिप यहाँ खत्म हो जाती है, सोल पार्टनरशिप खत्म हो गई थी, फीचर मतलब मीनिंग करते ही फीचर करते ही एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ खत्म ही होती है, यहाँ तो अभी शुरुआत है, टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डील, अलग अभी चार पांच टॉपिक और रहते हैं, ठीक है जी, तो पार्टनरशिप फॉर्म चलता रहेगा, कल भी टॉपिक दो बातें लिमिटेशन से बात की आगे, पर बाबू कल से टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत तगड़ा, ठीक है जी देखेंगे बाकी कल, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।